नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी, जिसे आपने डिजिटल की दुनिया का नंबर वन टॉक शो बनाया है। इसलिए हमारे मेहमान और उनके वीडियोस लगातार लगभग हर हफ्ते वायरल होते रहते हैं। इसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। विषय आज का उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। लगातार अगर आप देखिए तो पिछले हफ्ते केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ, बीजेपी का संगठन यूपी बीजेपी, ये सब खूब सुर्खियों में रहा, चर्चा में रहा। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि दरअसल भीतर खाने खबर क्या है। केशव प्रसाद मौर्य क्या वाकई में जो विपक्ष कह रहा है नाराज हैं, या फिर ये सिर्फ विपक्ष चूंकि नंबर गेम में ज्यादा है इसलिए इस मुद्दे को उठा रहा है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान मौजूद हैं जिन्हें आप खूब पसंद करते हैं, कमेंट्स के जरिए बताते हैं। पूर्णिमा जी हमारे साथ हैं, अवधेश कुमार जी हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, समीर चौगाकर जी हमारे साथ हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी हमारे साथ हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शुरुआत आज अवधेश जी से करते हैं। अवधेश जी, केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ, इस पूरे हफ्ते यही दो नाम खूब सुर्खियों में रहे। अखिलेश यादव चूंकि विपक्ष में इस वक्त मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद उनका हौसला भी बहुत बुलंद है, लगातार वो ये मुद्दा उठा रहे थे। क्या ऐसा लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच अगर कुछ ऐसी खटपट होगी भी, कोई बदलाव की संभावना भी होगी, तो उसे क्या इतना शोर शराबे के साथ दिखाया जाएगा, करा जाएगा? बीजेपी ऐसी पार्टी लगती है? शोर शराबा कहाँ है? शोर शराबा पत्रकारों के बीच है, मीडिया के बीच है, विरोधियों के बीच है, पार्टी फोरम में। आखिर अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 33 सीटों तक सीमित हुई है, हालांकि उसको वोट 2014 के अनुसार ही है, लेकिन 33 सीटों तक सीमित हुई है, तो इस पर अगर थोड़ी बहुत खुल के बातचीत होती है तो इसमें समस्या कहाँ है? एक तरफ तो हम मांग करते हैं कि पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, लोग खुल के बोलते नहीं हैं। अगर कोई खुल के पार्टी फोरम के अंदर अगर वो आपके मंच से आके पार्टी के विरुद्ध कुछ बोला हो, उन्होंने कोई ट्वीट किया हो एक्स पर, कोई पोस्ट लिखा हो, कोई जो है योगी आदित्यनाथ जी के बारे में सार्वजनिक बयान दिया हो, वो भी अगर बयान दिया जाता है तो लोकतंत्र में उसको भी स्वीकार्य होना चाहिए कि अगर हम अंदर नहीं बोल पा रहे हैं तो बाहर तो जो कुछ है अपने पार्टी के कार्यकारिणी में बोलना, पार्टी के अंदर बोलना, पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी के पास आके बात करना, इसको सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अंग मानना चाहिए। अगर हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि हम किसी भी पार्टी के विमर्श को हम उसको दबाना चाहते हैं कि वो निकले ही नहीं। ये बात सही है कि केशव प्रसाद मौर्य जब अध्यक्ष थे 2017 में, उस समय भारतीय जनता पार्टी चुनाव में 325 सीटें लाई, जो उसके लिए आज तक का रिकॉर्ड है। यद्यपि उस समय मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ था, लेकिन अध्यक्ष होने के नाते उनके मन में निश्चित रूप से यह भाव रहा होगा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने इसकी कोशिश भी की, मेरी जानकारी में वो दिल्ली भी आए, और इसमें भी कोई बुराई नहीं है। कोई भी नेता ऐसी कोशिश करता है कि हमको पद मिलना चाहिए, उसके योग्य हैं, तो राजनीति में इसको स्वाभाविक माना जाना चाहिए। वो यहाँ आए लेकिन उनकी जगह जो है योगी आदित्यनाथ जी का चयन हुआ, पार्टी ने उनको उप मुख्यमंत्री के योग्य समझा, वहां बनाए रखा। दूसरी बार वो चुनाव हार गए, तब भी पार्टी ने उनकी योग्यता क्षमता का ध्यान रखते हुए और मिनट में फैसला किया कि वो उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यानी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनकी उपयोगिता को, उनकी प्रासंगिकता को, उनकी लोकप्रियता को मानता है। लेकिन अभी तक मुझे यह नहीं समझ में आया कि उन्होंने कब कहा है कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के विरुद्ध खड़ा हूं, या मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, या इनको मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए। मेरी जानकारी में जो उनके यहां से मैंने पता किया है, उन्होंने कुछ हमारे पास डाटा भी भेजे हैं कि उन्होंने ये बात उठाई है कि हमको इस पर विचार करना चाहिए कि पार्टी में पिछड़े जातियों का समर्थन क्यों घटा है, और उनका अपना मानना है, मैं उससे सहमत हूं नहीं हूं, जो उनका मानना है कि अखिलेश यादव को उन्होंने डाटा भी दिए हैं कि पिछड़ी जाति को इतने टिकट दिया, उनकी डाटा में है तो इतना मिला है उनको जो है, तो ये उन्होंने पार्टी के फॉर्म पर रखा है ये बात कि ये हो रही है, तो इसमें कैसे सुधार किया जाए, कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हुई हैं। और जो मुख्य बात है, ये बात सच है कि योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार में, हिंदुत्व के समर्थकों में, हिंदुत्व अभिप्रेरित और राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई है, हिंदुओं में जो दुनिया भर में चेतना जागृत हुई है वो भारत में नरेंद्र मोदी जी के पास दूसरे स्थान पर है। लेकिन दूसरा पक्ष यह है
कि कार्यकर्ताओं की सरकार से बिल्कुल जो है संपर्क संबंध टूटा है, छोटे छोटे काम जो जिन्यून काम है कार्यकर्ताओं के नहीं हुए हैं, पुलिस के सामने उनको उनको बहुत शर्मिंदगी होनी पड़ी है, अनेक कार्यकर्ताओं को विरोधियों के मुकदमे के कारण जेल जाना पड़ा है, अगर वो संघर्ष किए हैं तो विरोधियों से ज़्यादा उनके साथ हुआ है, किसी के घर में कोई बीमार पड़ गया तो उसको सरकारी हॉस्पिटल में मैं घूमता रहता हूँ, ऐसे सैकड़ों लोग हैं नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों को जहाँ कुछ जगह मिलनी चाहिए धक्का दे के वो निकाले गए हैं, और मुख्यमंत्री आवास का और मुख्यमंत्री कार्यालय का संगठन के साथ संपर्क और संवाद जितना होना चाहिए उसमें व्यापक कमी है। तो ये जो कमी थी उसका असर लोकसभा में पड़ा है, तो ये अगर कोई आवाज उठाता है, अगर ये कोई आवाज उठाता है तो वो गलत नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने रहेंगे बिल्कुल स्पष्ट है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने जा रही है, आने वाले समय में संगठन में जरूर बदलाव होना है, संगठन में बदलाव होना है। ये लगातार अमर उजाला भी अपने दर्शकों को बता रहा था, बहुत सारे मीडिया चैनल्स, बहुत सारे मीडिया हाउसेस लगातार ये बात कह रहे थे, लेकिन फिर भी अमर उजाला ने ये बात कही कि संगठन में थोड़ा सा बदलाव होगा। सर मैं चाहूंगी कि अखिलेश यादव के उस ऑफर पर थोड़ा सा, नहीं नहीं, अखिलेश यादव 2014 का चुनाव हारे बुरी तरह, 2017 का बुरी तरह हारे, 50 से नीटे छीटे आ गई, 2019 बुरी तरह हारे, 2024 में जाकर के 2022 बुरी तरह हारे, चार चुनाव जो हार गया वो अपना आत्ममंथन नहीं करता है कि एक चुनाव में किन्हीं कारणवश 37 सीटें आ गई तो आप उपहास उड़ा रहे हैं, कल हो सकता है कि फिर आपको आपके 2027 में अगर इससे बुरी हालत होगी क्या जवाब देंगे। तो अखिलेश यादव जो कुछ कर रहे हैं ना, आजकल क्या है, जैसे राहुल गांधी के इर्द गिर्द दुनिया भर के ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट अल्ट्रा सोशलिस्ट खड़े होकर उनको बताते रहते हैं कि आप इतने लोकप्रिय हैं, उसी ढंग से इनके इर्द गिर्द भी हैं, 37 सीटें आई हैं, उनकी एक उपलब्धि है, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने धक्का दिया है, लेकिन लगातार जिस व्यक्ति के नेतृत्व में चार चुनाव जीता है, अभी तक अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने एक भी चुनाव नहीं जीता है, 2012 का चुनाव मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री सामने रख के लड़ा गया था, उस समय भी हम लोग टीवी पर हो रहे थे, पहले अपने नेतृत्व में एक विधानसभा चुनाव में जीत के सरकार बना के दिखाएं तब दूसरे का उपहास उड़ाएं, और उन्होंने जो ऑफर दिया था उसको केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट से लेकर के सबको बता दिया है। केशव प्रसाद मौर्य कोई संगठन के आदमी है भाई, वो अपनी बात संगठन के अंदर उठा रहे हैं। हालांकि मैं सबसे आग्रह करूंगा कि कठिन समय में किसी भी पार्टी में सबको अपने विवेक का, अपने संयम का, शांति और स्थिरता से व्यवहार करना चाहिए कि ठीक से समस्या का समाधान हो, इसको लोक प्रतिस्पर्धी के रूप में, पार्टी के अंदरूनी कलह के रूप में न देखे, ये सबकी जिम्मेवारी होती है। ठीक है, बहुत बहुत स्पष्ट बात जो है अवधेश जी की तरफ से हो गई। पूर्णिमा जी, जिस तरीके से ये खटपट दिखाई पड़ रही थी या केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ की खूब चर्चा होती रही, हालांकि लगातार अमर उजाला ये बता रहा था, हमारे तमाम खबरों में भी दिख रहा था, हमारे वीडियोस में भी दिख रहा था कि संगठन में अगर कोई बदलाव होगा तो होगा, सरकार फिलहाल कुछ भी उसमें बदलने नहीं जा रहा है। एक चीज पिछले टेन्योर में भी अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो आप अगर याद करें तो शायद केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ को लेकर उस समय भी खूब चर्चा होती थी, क्या वो वाली जो कसक है, टीस है, वो अभी तक साफ नहीं हो पाई है, क्लियर नहीं हो पा रही? अवधेश जी तो कह रहे थे कि भाई चलो नाराजगी है तो हम किसको बताएंगे। नहीं देखिए प्रतीक्षा, जो ये केशव मौर्य जी का जो भी बयान सामने आया या उनको लेकर जो चर्चा शुरू हुई, इसका बैकग्राउंड 17 से शुरू हो गया था। 17 में जैसे अवधेश जी ने बहुत क्लियर बताया कि उस वक्त वो प्रदेश अध्यक्ष थे, कैंपेन कमेटी में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, और उस वक्त जब सीटें बीजेपी की इतनी ज़्यादा आई तो ऑब्वियसली उनको लगा होगा कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि बीजेपी ने किसी का चेहरा नहीं उस वक्त सामने रखा था, किसी का नाम घोषित नहीं किया था। तो जब एकदम से अचानक बिल्कुल योगी आदित्यनाथ का आउट ऑफ नोवेयर जब नाम आ गया, तो ये चीज अवधेश जी बोलना भूल गए शायद कि मौर्य जी को इतना धक्का लगा और वो यहाँ दिल्ली में आके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, और नहीं एम्स में भर्ती हुए थे, भर्ती हुए थे, ठीक है ठीक, तबीयत खराब तो वो पुरानी कसक तो रहेगी ना, दूसरा चुनाव वो हार उस दौरान तबीयत खराब हुई थी तो वो पुरानी कसक तो रहेगी। अब जबकि इस बार लोकसभा में वैसे परिणाम नहीं आए हैं जैसा कि बीजेपी मान के चल रही थी, तो एक
वीक स्पॉट दिख रहा है लोगों को, जो भी योगी आदित्यनाथ से किसी भी वजह से परेशान रहे हों, वो केशव मौर्य प्रसाद मौर्य भी हो सकते हैं, कोई और भी पार्टी के लोग हो सकते हैं, क्योंकि एक तो ये चर्चा थी ना कि पार्टी में कई लोग योगी आदित्यनाथ की कार्य प्रणाली से, शैली से नाराज थे, एक असंतोष उपज रहा था। इन्होंने खुद भी कहा है कि कार्यकर्ताओं में भी एक नाराजगी थी। तो वो एक जब मौका जब ये सामने दिख रहा है कि एक थोड़ी सी कमजोर पोजीशन में योगी आदित्यनाथ है, तो लोगों को हिटबैक करने का मौका मिला, और वो राजनीति में होता है, उसमें कोई अनुचित नहीं है। और चर्चा तभी जब उन्होंने सरकार और संगठन की बात कर दी कि संगठन सरकार से बड़ा होता है, फिर वो आनन फानन दिल्ली चले आए और उनके यहाँ दिल्ली में सभी बड़े नेताओं से मुलाकात हुई, फिर बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली चले आए, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ को भी बुलाया गया, तो ये जो आना जाना चलना शुरू हो गया, चर्चा शुरू हो गई, तो ऑब्वियसली मीडिया में तो हमारा काम ही है इन चर्चाओं पे थोड़ी अपनी मंशा व्यक्त कर देना। तो चर्चा शुरू हो गई कि योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं, हालांकि उसकी संभावना कम थी, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी नहीं लग रहा था। संगठन में हो सकते हैं बदलाव, क्योंकि जो प्रदर्शन है उसमें संगठन में बदलाव ना हो ये भी अनुचित ही होगा, जो कमियाँ हैं उसको दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। तो चर्चा का वो बैकग्राउंड वहाँ से है, और योगी आदित्यनाथ का जो कि इनकी अपनी 15 पन्नों की या 12 पन्नों की जो भी रिपोर्ट आई है उसमें भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि योगी आदित्यनाथ की शैली पे, कार्यशैली पे थोड़ा सा नेगेटिव उसका असर समझ में आ रहा है। तो योगी को हटाने की अगर इस समय चर्चा चल पड़ी है तो उसमें कहीं कोई बहुत अनुचित नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, और हटेंगे नहीं ये हमें पहले से मालूम था, लेकिन मीडिया का काम है चर्चा करना, तो हम वही कर रहे थे। दूसरा, अभी मुझे लग नहीं रहा है, बाई इलेक्शन 10 सीटों पे होने वाले हैं, तो बीच में कोई उथल पुथल होगी मुझे नहीं लग रहा है, इसलिए चर्चाओं का काम है चलना, वो चलती रहती हैं। ठीक है, जिस तरीके से पूर्णिमा जी कह रही थी, हर्षवर्धन जी और अवधेश जी ने भी अपनी बात स्पष्ट तौर पर रखी, मैं चाहूँगी इस पूरे विषय पर आप अपनी बात भी रखें। और दूसरी चीज़, बाय इलेक्शंस के पहले जो तैयारियाँ थीं, क्या उस संदर्भ में बातचीत को विपक्ष ने बहुत ज़ोरदार तरीके से उठाया, क्योंकि नंबर तो नो डाउट उनका ज़्यादा है ही लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद, वो वजह रही है, या वाकई में जैसा कि पूर्णिमा जी कह रही हैं कि शुरुआत से ही कुछ ना कुछ तो मामला है जो कि उनको पसंद नहीं है, वो मुख्यमंत्री चाहते थे लेकिन नहीं हुआ, शायद इसलिए ऐसी नाराज़गी? नहीं, बड़ा स्वाभाविक है, राजनीति में हर किसी को सबसे ऊपर वाली कुर्सी दिखती है, और बनना तो हर कोई एडिटर ही चाहता है ना। एंकर टीवी में वैसे एडिटर बनना चाहता है, बड़ा स्वाभाविक है, इसमें कोई बहुत कुर्सी एक ही होती है, तो ये कोई बहुत कहने की बात नहीं है। लेकिन क्या इकोसिस्टम के भीतर आप अपनी दावेदारी अपने काम से अपनी ताकत से स्थापित कर पाते हैं क्या, एक बात। दूसरा, जिसको बिठाना है यानी जो आपसे ऊपर है वो आपको उसके योग्य पाता है क्या, दूसरी बात। इसके अलावा तीसरा कोई पैमाना नहीं हो सकता। हो सकता है बहुत आप योग्य हों लेकिन जो ऊपर लोग हैं वो आपको नहीं मानते हैं, तो उस जगह पर नहीं बिठाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य के लोग अगर ये दावा कर रहे हैं कि 2017 में वो अध्यक्ष थे, तो 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने भारत में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में सबसे बड़ी सफलता हासिल की थी, तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो वो दावा कर दें फिर। राजनीति ऐसे नहीं चलती है, मुझे लगता है ये बहुत स्पष्टता समझना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी इलाहाबाद में विश्व हिंदू परिषद की गौ रक्षा समिति उसके नेता थे, वहाँ से उनका करियर यहाँ तक आया है। खांटी नेता हैं, खांटी संघ के नेता हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, और बिना किसी संकोच के मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी की जो पिछड़ी जातियों की राजनीति है जो उसमें बैठ की है उसके बड़े चेहरे हैं। केशव प्रसाद मौर्य से बड़ा चेहरा कोई नहीं है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, और उनको यथोचित सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान मिला भी। फूलपुर का उपचुनाव हार गए थे वो, गोरखपुर का उपचुनाव हार गए थे योगी आदित्यनाथ, तो ये भी भ्रम नहीं रहना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जिता देते हैं और केशव हरा देते हैं, ये भी थोड़ा संतुलन जानना जरूरी है। सब मोदी के नाम पर जीते हैं, जो कुछ बच गया वो मोदी के नाम पर बचा है, तो पहली बात तो ये स्पष्टता रहेगी तो थोड़ा दर्शकों को समझने में आसानी होगी। अब अभी क्या हुआ, अभी दो चीज़ें हुई, एक तो ये कि 2022 के विधानसभा चुनाव के समय से ही जो संगठन और सरकार के बीच का संघर्ष था वो सतह पर आ गया था। संगठन जब उनको लगा योगी जी को ठीक है नहीं समझ में आ रहा है तो सरकार अपने रास्ते और संगठन अपने रास्ते, उसका नुकसान कहाँ हुआ, कार्यकर्ता के तौर पर, जिस कार्यकर्ता को लगता था कोई रास्ता है क्या, उसको रास्ता मिलना बंद हो गया। मंत्री जी लोग अपना निजी काम तो करा लेते हैं, विधायक अपना निजी काम करा लेते हैं, कार्यकर्ता का काम नहीं हो पाता है। अब किसी ने कहा कि भाई सामान्य है, प्राथमिक शिक्षक का स्थानांतरण है और वो गया और मुख्यमंत्री कार्यालय ने कह दिया कि नियमानुसार होगा। अब ये नियमानुसार क्या होता है,
भाई सामान्य अध्यापक का स्थानांतरण है, कोई विधायक है, सांसद, वो चाह रहा है कि हमारे नजदीक, तो इतनी तो बात होनी चाहिए ना। ये कोई गलत काम तो है नहीं। अगर कोई गलत काम कहे, कोई हत्या कर रहा हो, अपराध कर रहा हो, दुष्कर्म कर रहा हो, कहे कि हमको थाने में बचा लो, जो पहले की सरकारों में होता था, कम से कम भाजपा इससे मुक्त है कि उसके कार्यकर्ता इस तरह के नहीं। लेकिन जब ये संकट होता है तो वो नीचे से आता है। अभी 33 सीटें आई तो जवाबदेही तो तय होगी, टिकट तो सबकी मर्जी से बटा है, केंद्र ने बांटा है, दिल्ली ने बांटा है, इसमें भ्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि जो कोर कमेटी थी उसमें योगी जी भी थे, केशव भी थे, ब्रजेश भी थे, धर्मपाल जी भी थे और भूपेन्द्र चौधरी भी थे। तो क्यों नहीं उसी वक्त इन लोगों ने कहा कि ये सब बदल देना चाहिए, टिकट खराब बटे ये सब जानते हैं, उस वक्त क्यों नहीं ठीक किया। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में ज़रूरत है सब मिलकर सोल्यूशन निकालें, जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करें, लेकिन सब नारियल लिए घूम रहे हैं, इसका सर मीड़े उसी पर फोड़ देना, वही होता हुआ दिख रहा है, समझिए इसको। और उसमें क्या है कि हो सकता है कि आप समस्या का समाधान न निकाल पाए, लेकिन और ढेर सारे फूटे हुए सरों के साथ आप आगे की राजनीति में जाए, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदेह। बिल्कुल, यानी अगर देखें समीर जी, तो जैसा कि अभी आपने दोनों तीनों लोगों को सुना, मामला कुछ तो है, तभी धुआं जो है उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कहें, या फिर जो चिंतन मंथन का दौर लगातार शुरू है, 15 पन्ने की रिपोर्ट आ चुकी है, इन सब के बीच अभी सिर्फ फोकस बीजेपी को अपने पार्टी, अपने लोगों पर करना है, या ये जो संगठन और पार्टी के बीच का एक जो मतभेद है उसे शायद ठीक करने की जरूरत है? देखिए, मुझे लगता है सब जगह भारतीय जनता पार्टी को मंथन करने की जरूरत है। जिस हिसाब से लोकसभा का चुनाव परिणाम उत्तर प्रदेश का खास रूप से आया है, और उसके बाद जो अभी उपचुनाव हुए थे 13 सीटों पर हुआ था, उसका भी जो परिणाम आया है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साहवर्धक नहीं रहा है। तो लोकसभा के बाद तुरंत उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, तो ये चिंता का विषय निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए है और होना भी चाहिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए। उत्तर प्रदेश के रूप में अगर बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य और अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें तो भी 2017 में ठीक है केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष थे, लेकिन अगर केंद्रीय नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को दिल्ली से मुख्यमंत्री के रूप में भेजा, जिनका प्रदेश के चुनाव में कोई भूमिका नहीं थी, उसके खाली सांसद थे, अगर केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें सिलेक्ट किया है कि इन्हें उत्तर प्रदेश में इतना प्रचंड बहुमत आया है तो हमें एक कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, उन्हें लगा कि उसकी जो वो चाहते हैं उसमें योगी आदित्यनाथ खड़े उतर सकते हैं, तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सिलेक्ट किया, उसको भेजा। ये बात सही है कि उस समय केशव प्रसाद मौर्य को लग रहा था और कुछ और नेताओं को भी लग रहा होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री वहाँ बनना चाहिए, उस समय की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी बनने की। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने परफॉर्म किया उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बाद मुझे लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य को ये इच्छा छोड़ देनी चाहिए थी कि अब मेरे लिए कोई वहाँ पर स्थान बचने की संभावना है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इतनी लंबी लकीर खींच दी थी केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में कि दोनों के बीच में कोई मुकाबला नहीं रहा। केशव प्रसाद मौर्य की छवि और योगी आदित्यनाथ की छवि में भी बहुत फर्क रहा है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की छवि बेहद ईमानदार और कुशल प्रशासक की रही, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री रहते वो अपनी छवि नहीं बना पाए कि बेहद ईमानदार और बेहद साफ सुथरा उनका राजनीतिक जीवन रहा है। उनकी छवि पर असर पड़ा, जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगते रहे कि भाई उनके बेटे ठेके को प्रभावित करते रहे, केशव प्रसाद मौर्य पीडब्ल्यूडी पर फोकस करते रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद से जो दूरी बनी रही है वो लगातार बनी रही है। पार्टी भी इस बात को मानती है कि योगी आदित्यनाथ ने बहुत बेहतर प्रदर्शन करा, लेकिन पार्टी ने ये केशव प्रसाद की अहमियत भी समझी। आप विधानसभा चुनाव हार जाते हो, उसके बाद ही पार्टी आपको उप मुख्यमंत्री बना देती है। ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य चाहते होंगे कि मुझे वही विभाग मिले जो पहले मेरे पास थे, पीडब्ल्यूडी मिले, वो मंत्रालय नहीं मिल पाया, लेकिन पार्टी ने आपको सम्मान दिया, हारने के बाद भी आपको उप मुख्यमंत्री बनाया पार्टी ने, तो पार्टी आपकी अहमियत भी समझती है कि आप पिछड़े के नेता हो, संगठन में आपकी भूमिका रही है, एक हार से आपको खारिज नहीं किया जा सकता, तो पार्टी ने आपको भी सम्मान दिया है, तो ये भी देखना चाहिए कि पार्टी ने आपको भी महत्व दिया। अब उत्तर प्रदेश का परिणाम आने पर अगर ये लगता है कि भाई मैं मुख्यमंत्री पर इसका ठीकरा फोड़ दिया जाए, किसी तरीके से नेतृत्व परिवर्तन हो जाए, तो मुझे लग रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य तो भारतीय जनता पार्टी संगठन के आदमी रहे, क्योंकि ब्रजेश पाठक तो ही नहीं कि जो बसपा की संस्कृति से आए हुए हो, वो तो भाजपा भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति के हैं, उन्हें पता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी बात कैसी रखी जाती है, किस फोरम पर रखी जाती है, किस तरीके से रखी जाती है और किसके सामने रखी जाती है, उन्हें सब पता है। उसके बाद अगर वो सार्वजनिक रूप से ये कहते हैं कि संगठन से सरकार से बड़ा संगठन हो रहा है, सबको पता है भारतीय जनता पार्टी संगठन सर्वोपरि मानने वाली पार्टी है, प्रधानमंत्री खुद अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, तो मुझे लगता है कि जिस पार्टी में संगठन सर्वोपरि पहले से माना जाता है वहां आपने कोई बहुत नई बात नहीं बोली है, आपको पता है। और आपको अगर पार्टी के अंदर ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष के कारण या सरकार के कारण कुछ हो रहा है, तो सरकार में आप लंबे समय रहे हो, आप सरकार विभिन्न माध्यमों से इसको पहले भी उठा सकते थे, और जब पार्टी की जब बैठक होती है, कोर कमेटी बैठती है, प्रदेश की कोर कमेटी की बैठती है, आप वहां पर खुल के बात कर सकते हो, केंद्रीय नेतृत्व के साथ आपकी बैठक होती है, आप वहां बात कर सकते हो, सार्वजनिक रूप से ट्वीट करके या सार्वजनिक
से इस तरह से कह के मीडिया में चर्चा करने का या पार्टी में या विपक्ष में मौका दे देना कि वो आपकी बात से अर्थ निकाल कर पार्टी के अंदर जो मतभेद है उसको करे, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। एक अनुशासित सिपाही होने के नाते जो भी आपको बात कहना है पार्टी के फोरम पे कहना मुझे लगता है ज़्यादा उपयुक्त होता। केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को उठाया मुझे लग रहा है उन्होंने अपनी छवि को डैमेज किया पार्टी के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर। ट्वीट करके अखिलेश को जवाब भी दे रहे हैं कि तुम हमारे, देखिए अखिलेश यादव तो कहेंगे, उन्होंने तो कह दिया कि मानसून ऑफर है, 16 और सरकार बना लो। हालांकि भारतीय जनता पार्टी तो मानसून के 12 महीने भारतीय जनता पार्टी का ही ऑफर रहता हो कि आ जाओ सरकार बना लो, क्या उन्होंने तो खाली मानसून में दिया है। तो ये सारा विपक्ष ऑफर देता है कि आपके पास हो तो आ जाओ हम आपकी सरकार बना देंगे। इसमें केशव जी लगातार जवाब भी दे रहे हैं, देंगे ना भाई वो जवाब देने की, जवाब तो देंगे, उनका देना भी चाहिए। मुझे लगता है इसमें किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए, केशव मौर्य संगठन के सिपाही। अच्छा एक लाइन जोड़ दूं जिससे मैं दूसरों का समय लेके, जिससे संदर्भ और आ जाएगा, क्यों योगी जी को लाया गया था? योगी जी को इसलिए लाया गया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नरेंद्र मोदी ने तय किया कि उत्तर प्रदेश जैसे विविधता वाले राज्य में एक भगवाधारी मठाधीश आएगा, जाति खत्म होगी। हुआ क्या ये एक प्रश्न है, मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ, आगे चलते हैं। लेके चर्चाएं हुई हैं तो इसमें कुछ हमें उनकी भूमिका देखनी पड़ेगी। जब दिल्ली से उनका बुलावा आया तो चलने से पहले उनको फूल मालाएं पहनाई गई, मिठाई खिलाया गया, तो ऐसा लग रहा था कि बस वो दिल्ली पहुंचेंगे और अनाउंसमेंट हो जाएगा, तो उनकी तरफ से इसको बढ़ावा दिया गया, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। वो तो कार्यकर्ता, तो हर कार्यकर्ता, जैसे अभी सर ने कहा कि हर तो आदमी एडिटर बनना चाहता है, तो हर कार्यकर्ता सोचता है कि उसका नेता जो है मुख्यमंत्री। पूर्णिमा जी है, इनकी जो संपूर्ण रोशनी है वो वही जाती है तो ये वही देखेंगे, उतना माला पहना दिया। अरे माला तो आप ही तो बताए ना, बाल मन है उनका। वैसे पूर्णिमा की रोशनी हर जगह जाती है, वो कहीं किसी में भेदभाव नहीं करती है। बाल मन तो अलग हो जाएगा। सत्यवारी जी, मैं चाहूंगी कि आप केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ का जो भी अभी पिछला जो भी प्रकरण रहा उस पर अपनी बात रखें। और दूसरी चीज, जैसा कि अभी समीर सर भी कह रहे थे कि बहुत ज्यादा जरूरत है संगठन में भी और पार्टी में भी मंथन चिंतन की, कैसे देख रहे हैं? यकीनन भारतीय जनता पार्टी को इस समय अपने संगठन के अंदर जो परिवर्तन की जरूरत थी उस पर वो डेफिनेटली काम तो करती है, लेकिन जहां तक योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के पॉलिटिकल रिफ्ट सामने आए हैं उसमें मैं ये समझता हूँ कि बदलती राजनीति परिवेश के अंदर जो पिछड़ों की गोलबंदी हुई, जिस तरह से अखिलेश ने सामाजिक न्याय की राजनीति के माध्यम से एक स्कोर ओरिएंटेड पीडीए फार्मूला को डेवलप कर लिया, उस सिचुएशन के अंदर केशव प्रसाद मौर्य उस परसेप्शन को छूने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो खुद पिछड़ी जाति से आते हैं और वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी इस परसेप्शन को अगर नहीं छुआ गया कि पिछड़ों की राजनीति के करीब भारतीय जनता पार्टी को लाने की कोशिश नहीं की गई तो आने वाले समय में ये फिर एक डैमेजिंग हो सकता है, तो इस सिचुएशन को वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो योगी आदित्यनाथ है वो एक अलग डायनेमिक्स के आदमी है, उनका एक पर्सनैलिटी कल्ट अलग है, वो हिंदुत्व की राजनीति के मुखर चेहरे माने जाते हैं। वहीं इस सिचुएशन को केशव प्रसाद मौर्य एक्सप्लॉइट कर पाते हैं या नहीं कर पाते ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, लेकिन बदलती राजनीति के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त जो बदलता परिवेश है, जो विमर्श है, उस पिछड़ी राजनीति के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चूक कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य के माध्यम से उस विमर्श को छूने की कोशिश करती जहाँ पिछड़ों के साथ वो केशव प्रसाद मौर्य को एक राजनीति में स्थापित करते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं, तो मेरा ख्याल है जो ये जो बाजी मारी है अखिलेश ने इसको भविष्य में काउंटर किया जा सकता था। अब ये लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगड़े पिछड़ों की राजनीति इंटरनल जो द्वंद्व है वो साफ नज़र आ रहा है, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ के अपने कुछ रिफ्ट हैं सेंट्रल लीडरशिप से, तो उन सिचुएशंस को केशव प्रसाद मौर्य एक रिफ्ट एक्सप्लॉइट कराना चाहते थे। वो उसमें कितने कामयाब हो या नहीं हो या कितने हो पाएंगे ये तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो तय करेगा, लेकिन बदलती राजनीतिक परिवेश में ये ज़रूरी है कि केशव प्रसाद मौर्य का जो पिछड़े वर्ग का चेहरा है उसको एड्रेस करें, तो फिर ही आप सामाजिक न्याय की राजनीति या अखिलेश की राजनीति को काउंटर कर सकते हैं।
बिल्कुल, यानी वही ओवरऑल जो हमारे तमाम मेहमान कह रहे थे कि एनालिसिस खुद को भी करने की आवश्यकता है। अगड़ी पिछड़ी राजनीति की भी चर्चा अब शुरू हो चुकी है। विनोद सर, बाय इलेक्शन सर पर है, तैयारी जोरों पर है, ये जो अभी पूरा प्रकरण हुआ केशव प्रसाद मौर्य की नाराज़गी रही या यूं कहें कि वो मंच पर संगठन के बीच अपना बात रखने के हिसाब से गए थे, जो कुछ भी था, क्या इसका असर बाय इलेक्शंस पर दिखेगा, पहली चीज, और दूसरा कि जो अखिलेश यादव इतनी मजबूत स्थिति में इस वक्त लोकसभा चुनाव के बाद दिखते हैं, क्या वो सफल हो पाए ये मुद्दा जो है खूब जनता के बीच ले जाने में कि भाई पिछड़ों की नहीं सुनी जाती। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब कोई भी पार्टी चुनाव में उसका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहता है तो ये परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जो भारतीय जनता पार्टी में इस समय उत्तर प्रदेश में हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। 2009 में जब भाजपा हारी थी लोकसभा का चुनाव, उसके बाद भी इसी तरह के घमासान दिल्ली में अडवाणी जी और हुए थे, और कांग्रेस में भी होते हैं। जब भी पार्टी जो है, अगर अभी मान लीजिए नतीजे उल्टे होते, 70+ होती उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, बिल्कुल सब कुछ बढ़िया हो रहा होता, जय जयकार हो रही होती योगी जी की, मोदी जी की, केशव प्रसाद जी सबकी। लेकिन चूंकि चुनाव में अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं आए हैं, 7-8% वोट कम हुआ है पार्टी का, सीटें कम हुई हैं, तो निश्चित रूप से एक दूसरे पर, एक तो ब्लेम गेम जो होता है, ठीकरा फोड़ने की बात है, तो एक जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विरोधी खेमा जो है दिल्ली से, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, वो इसका पूरा ठीकरा योगी जी के सर पर फोड़ना चाहता है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर उत्तर प्रदेश मान लीजिए योगी जी की वजह से बीजेपी हारी है, तो महाराष्ट्र किसकी वजह से हारी, हरियाणा किसकी वजह से कम हुए घटी, राजस्थान में सीटें किसकी वजह से कम हुई, तो क्या उनके उन मुख्यमंत्रियों को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा अगर योगी जी जिम्मेदार हैं? और फिर योगी जी तो अपने मंडल की सारी सीटें जीते हैं, एक सीट छोड़ के, बलिया छोड़ करके, और बनारस मंडल की सीटें बीजेपी हारी है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? एक खाली मिर्जापुर जो है वो जीती है अनुप्रिया पटेल। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर विचार होना चाहिए, हो भी रहा होगा। रही बात ये कि केशव प्रसाद मौर्य भी मनुष्य हैं, और मानव जनित जो प्रवृत्तियाँ हैं, कमजोरियाँ और मजबूती सब उनके अंदर भी हैं, और राजनीति में चाहे कोई पार्टी हो, कोई देवता नहीं होता है। ये मान के चलना कि भारतीय जनता पार्टी में सब देवता पुरुष हैं, उनके अंदर सत्ता की इच्छा नहीं होगी, उनके अंदर मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं होगी, उस संगठन के प्रति इतने समर्पित हैं कि बिल्कुल जो है साधु, जब साधु टिकट के लाइन लगाते हैं पार्टियों के दफ्तर में, जो हरिद्वार और वृंदावन से निकल करके, तो ये तो सब सामान्य पुरुष हैं, सामान्य लोग हैं। तो अगर उनके अंदर महत्वाकांक्षा है तो गलत क्या है इसमें? कल्याण सिंह इसी पार्टी के थे, संगठन के थे, अनुशासित थे, सब कुछ थे, और दो दो बार पार्टी छोड़ के गए। संघर्ष सिंह वगैरह संघ के प्रचारक थे, सब कुछ रहे, और क्या हुआ? उमा भारती का देख लीजिए, विद्रोह भाजपा में जब भी हुआ है तो भाजपा के अनुशासित सिपाहियों ने ही किया है, बाहर से आए किसी ने नहीं किया, कि उसकी वो हैसियत नहीं होती बाहर वाले की, कर ही नहीं सकता। अब और उदाहरण में दे सकता हूँ, येदुरप्पा का दे सकता हूँ, ये सारे भाजपा की रीतनीति के लोग थे, लेकिन महत्वाकांक्षाएँ थी, महत्वाकांक्षाओं ने जोर मारा और वो विद्रोह किया उन्होंने पार्टी से उन परिस्थितियों में। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य कल्याण सिंह नहीं है, कल्याण सिंह किसी के राष्ट्रीय नेतृत्व में किसी के आशीर्वाद से वो बगावत नहीं कर रहे थे जब अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लड़ रहे थे। कल्याण सिंह उन लोगों में थे जिन्होंने पार्टी उत्तर प्रदेश में खड़ी की थी और जमीन से बन करके वहाँ तक पहुँचे थे, पूर्णिमा जी जानती हैं, हम सब लोग जानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा, वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, सांसद बने, और जब सांसद बने तब उनको कोई जानता नहीं था, कुछ लोगों की स्थानीय लोगों के अलावा, और उसके बाद अध्यक्ष बना दिए गए। 2017 में बहुत बेहतर प्रदर्शन हुआ उसके लिए, जो उन्होंने कहा कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कितना सुंदर प्रदर्शन नेतृत्व में हुआ था, और जमीन के नेता, और देश में तो राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे उस समय, जब 283 सीटें आई थी तो राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री बन जाते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनना था बने। उसी तरह योगी आदित्यनाथ को जब लाया गया तो किसी बड़ी रणनीति के तहत लाया गया। अच्छा, योगी जी केशव प्रसाद से ज्यादा पॉपुलर नेता पहले भी थे जब वो सांसद थे, अगर उस समय केशव प्रसाद को लोग नहीं जाए, योगी आदित्यनाथ तब भी जानते, तो गोरखपुर से कितने टर्म से जीत के आए थे, महंता वेदनाथ के उत्तराधिकारी थे, राम मंदिर आंदोलन से उनका सीधा संबंध था। तो अगर उस राजनीति की बात करें तो योगी आदित्यनाथ का महत्व और अहमियत उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद से पहले से भी ज़्यादा थी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का पिछड़ा कार्ड की जो बात हो रही है, अगर पिछड़ों के इतने ही बड़े नेता होते तो फूलपुर कैसे हार जाती बाई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी, कैसे वो अपना चुनाव हार जाते? गोरखपुर हारे तो वो फिर उसकी उसकी मन उसमें मत जाइए कि टिकट किसकी मर्जी दिया गया था, क्या था वो अलग बात है, उसको कहने समझे। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और
अपना चुनाव पल्लवी पटेल से हार गए, पल्लवी जब पार्टी जीत रही है, पार्टी 265 सीटों के आसपास जीत रही है और केशव प्रसाद तो ऐसा नहीं है और ये बात सब जानते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ का विकल्प अभी केशव प्रसाद मौर्य नहीं है, ये मानना पड़ेगा। और इसीलिए जो उनको उनको लेकर के जो सारा घमासान था वो थमता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उपचुनाव सिर पर है और उपचुनाव के पहले अगर कोई बदलाव करती है भाजपा पार्टी, कल्याण सिंह को हटा के पार्टी देख चुकी है और अगर वो जोखिम लेना चाहे पार्टी तो अलग बात है। मुझे लगता है कि अभी योगी आदित्यनाथ को बदलने का कोई निर्णय भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर नहीं दिखाई पड़ता। बिल्कुल ठीक सर, संपादकीय टिप्पणी और आपका विश्लेषण सबको आपने सुना। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से खूब सुर्खियां बटोरते पिछले हफ्ते में दिखाई पड़े, और सबसे बड़ी बात ये रही कि हम लगातार ये कह रहे थे कि संगठन में हो सकता हो कोई बदलाव हो, उसकी आवश्यकता है, लेकिन सरकार पर फिलहाल कोई असर नहीं है, वैसा ही हुआ है। मैं चाहूँगी कि ये जो ये पूरा मामला चल रहा है इसके बीच का जो पर्दे के पीछे की कहानी है वो थोड़ा सा आप अपने संपादकीय टिप्पणी में रखें। देखिए प्रतीक्षा, हमने लगातार पूरे इस घटनाक्रम को बहुत करीब से कवर भी किया है और आप अमर उजाला की वेबसाइट और हमारे अखबार को भी अगर लगातार देखें तो जो कुछ भी हमने इस पर निगाह रखते हुए लिखा था दरअसल वैसा ही हुआ। और मैं इस बात से सहमत हूँ जो अवधेश जी शुरू में कह रहे थे कि इन पूरी सुर्खियों को, इन घटनाओं को ज़रूरत से ज़्यादा तूल दिया गया, खासतौर पर कुछ एक दो टेलीविज़न चैनलों के द्वारा। अगर योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं क्योंकि सत्र शुरू होने वाला विधानसभा का, तो एक सामान्य प्रक्रिया होती है उसमें भी अब योगी जा रहे हैं तो ये मुझे लगता है एक ज़रूरत से ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई। लेकिन ये बात भी सही है कि कहीं ना कहीं कुछ चर्चा होती है तो बिना आग के एकदम से धुआं नहीं उठता, लेकिन वो आग कौन सी है उसको पकड़ना भी पत्रकारिता में बहुत ज़रूरी होता है। मुझे लगता है इस सारी चर्चा के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात जो छुप गई है और दब गई है वो है वो रिपोर्ट जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार की समीक्षा करते हुए पूरी जो रिपोर्ट है लंबी चौड़ी, जिसमें बहुत सारे बिंदुओं पर विचार किया गया है, उसमें से कुछ बिंदु आए हैं जो चर्चा हुई है उसमें कि कार्यकर्ता नाराज रहे, संगठन को तवज्जो नहीं मिली, और जो पूरा विवाद शुरू हुआ वो भी इससे हुआ कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, फिर उन्होंने एक बाद में इसी से संबंधित ट्वीट भी किया, लेकिन ये उन्होंने वहाँ भी कहा जो समीक्षा बैठक हुई थी। देखिए भारतीय जनता पार्टी की अभी जो तासीर है, जो पूरा शीर्ष नेतृत्व है इस वक्त भाजपा का, वो जिस तरीके से कार्य करता है उसको देखने के बाद कोई अगर सोचेगा कि ढिंडोरा पीट के बदलाव होने वाला है तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं पा रहा है। जहाँ पर पर्ची भेजकर मुख्यमंत्री नए बना दिए गए और पर्ची हाथ में आने तक किसी को पता ही नहीं था कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, और बड़े बड़े जो पॉलिटिकल रिपोर्टर्स हैं ग्राहक वो भी ये नहीं सुन पाए कि पर्ची में किसका नाम है, या फिर जो लिस्ट तैयार हो रही है 13 तारीख को उसका अनाउंसमेंट 26 तारीख को हो रहा है और उस लिस्ट में क्या नाम है ये कभी सामने नहीं आ पाया। उन 10 दिनों में उस पूरी सूची को तैयार करने वाले लोग पत्रकारों से, समाज से मिले होंगे, पार्टियों में सामाजिक सम्मेलनों में गए होंगे, लेकिन नाम बाहर नहीं आए। तो बहुत अलग तरीके से कार्य प्रणाली वाली जो पार्टी है वो ऐसे ढिंडोरा पीट के कोई ऐसा बड़ा बदलाव कर देगी ये सही नहीं है, क्योंकि इस तरह के बदलाव ऐसे हुए नहीं है। गुजरात में पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी गई थी रातों रात और लोग उफ तक नहीं कर पाए थे। तीनों जो मुख्यमंत्री बने वो कैसे बने हम जानते हैं, और भी बड़े बदलाव हुए। ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ लोग जो इस पूरा योगी बनाम मौर्य वाला मामला है इसको खड़ा करना या तो चाह रहे होंगे कहीं से भी और उन्होंने एक छोटा सा डिपस्टिक किया जो हम बोलते हैं कि टेस्टिंग दी वाटर्स के, देखने की कोशिश की होगी कि थोड़ा सा इसमें चिंगारी लगा के देखते हैं कि क्या हो रहा है, और उन्होंने लेकिन बहुत सारी बातें आ गई और जो कयास लगाए गए थे वो अभी तक तो गलत साबित। दूसरी बात जिस पर इस पूरी सुर्खी को हवा देते वक्त ध्यान नहीं रखेगी कि अभी सामने उपचुनाव हैं, जो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनाव में हुई है 33 सीटों वाली, उसके बाद उपचुनाव सामने हों और ऐसा कोई बदलाव करने की रिस्क कभी भी कोई पार्टी इस तरीके से नहीं लेगी, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। अगर सामने उपचुनाव है तो सबको साथ में खड़े रहकर उस उपचुनाव में जाना है और उसको कैसे भी करके जिताना है, और जैसे पूरी मंत्रियों की फौज उतार दी गई है खासतौर पर अयोध्या की जो पूरी सीट आने वाली, तो इसलिए कि भाई अब अयोध्या को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना ही दिया गया है, वो अवधेश प्रसाद को वहाँ पर संसद में जानबूझ के लोकसभा में आगे बिठाया जा रहा मुँह चिड़ाने के लिए। तो पहले बाहर से जो आक्रमण हुआ है और जो परिणाम आए हैं जो निश्चित ही चिंताजनक हैं, अच्छे परिणाम नहीं हैं, निराश करने वाले हैं, अब उसकी विवेचना होगी, विवेचना में से कई तथ्य निकलेंगे और उसमें एक दूसरे पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चलेंगे। पर कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है उसमें जो परिणाम आए हैं उस पर मंथन चिंतन की ज़रूरत है, उसमें जो रिपोर्ट आई है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और मुझे नहीं लगता कि कुल मिलाकर उपचुनाव के परिणाम आने तक किसी भी तरह का कोई बदलाव होगा, और जो हमारी जानकारी उसके मुताबिक यही है कि बदलाव होगा भी तो शायद संगठन के स्तर पर वो हो सकता है, सरकार के स्तर पर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा निश्चित। जी कि जो रिपोर्ट तैयार हुई है उस रिपोर्ट में जो मेरी मतलब मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कहा जाता है उसमें ज़्यादा जिम्मेदारी
प्रशासन और योगी जी की ओर इंगित किया गया है। तो भाई मुरादाबाद क्यों आ गए, भूपेन चौधरी अध्यक्ष हैं वहाँ के, उन्हें नहीं पता था कि जिसको टिकट दे रही है पार्टी वो आईसीयू में भर्ती हैं। सर्वेश कुमार सिंह प्रदेश अध्यक्ष को ये नहीं पता और टिकट हमने दे दिया, उसकी जिम्मेदारी किसके सर पर है? तो इसलिए रिपोर्ट भी किस तरह तैयार हुई होगी ये भी देखने का विषय है, ये भी देखने का विषय जी कर दो। शायद चर्चाओं को जो इतना तूल दिया गया इस मामले में, शायद योगी जी हटा दिए जाते अगर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर दिया होता। खुल के जिस तरह से उन्होंने अति आत्मविश्वास वाला ठीकरा फोड़ा है, तो अति आत्मविश्वास की सुई किधर जाती है ये सबको दिख रहा था। तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया कि इज नो पुश ओवर, उनको शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे की तरह साइडलाइन करना मुश्किल है। अब अवधेश जी की बुजुर्ग दुर्लभ मुस्कान जो है, हाँ एक तो उसमें चाहिए होगी। एक आप लास्ट पूर्णिमा जी का जो था उस पर आप जवाब दे दें, तो फिर मैं जो है। अरे भाई मैं एक तुकबंदी पढ़ा हाँ, उसको मैं कई बार दोहराता हूँ कि आंखों पर चश्मा लगाकर देखता हूँ, हुनर जितना है आज मां के देखता हूँ, लेकिन दिखता उतना ही है जितना पूर्णिमा जी दिखाती है। तो समस्या ये है कि इनको वही दिख गया, लाइन का एक अर्थ निकाल दिए। सेंट्रल लीडरशिप योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री को इस समय बदलाव मतलब करेगा ये तो कल्पना हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि होने का मतलब यह है कि उनकी जो लोकप्रियता संगठन परिवार के अंदर और बाहर भी है, यहाँ तक कि देश के सीमा के बाहर भी है, वो नरेंद्र मोदी जी के बाद दूसरे नंबर पर माने जाते हैं। तो वो एक दूसरे प्रकार से एक कल्पना से है, जैसे इन्होंने कहा कुछ बातें इन्होंने बता दी कि एक भगवा व्यक्ति अगर लीडर के रूप में दिखाई देता है, जिसके पास जो त्याग है तपस्वी है कैसे करता है, तो वो एक मैसेज भविष्य की दृष्टि से एक युगांतकारी विचार में परिवर्तन की दृष्टि से होना है। तो ऐसे व्यक्ति को उससे भूले भी हुई हैं, प्रशासन में गमियां भी हुई हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को ऐसे कर दिया कि उन्होंने बोल दिया, बाहर बोल दिया, फोन पर तो कोई बात होती नहीं होगी पार्टी में योगी आदित्यनाथ जी की, मोदी जी से, अमित शाह जी से, बाकी से कोई बात होती नहीं होगी, संघ नेतृत्व से कोई होती नहीं होगी। तो ये जो पत्रकारों का है ना, ये जो बार बार लुटियंस मीडिया और कुछ लोग खान मार्केट गैंग कहते हैं, वो माइंडसेट है, एक वो माइंडसेट बदल ही नहीं सकता है। नहीं, ये माइंडसेट तो पत्रकारों का जो माइंडसेट है वो तो इसलिए रहता है, हम सब उसमें हैं, अवधेश जी भी हैं, हर्ष जी भी हैं, कि जब कोई घटना भाई रस्सी होगी तभी सांप दिखाई पड़ेगा। अच्छा हम ना करें तो ये कर रहे हैं, तो हम तो विश्लेषण करेंगे ही, ठीक है उसमें हर एक का विश्लेषण का फर्क हो सकता है, लेकिन भगवा की जहाँ तक बात है, योगी जी से पहले भगवा मुख्यमंत्री उमा भारती भी रही थी, वो भी बहुत फायर ब्रांड थी, वो भी राम मंदिर आंदोलन की शीर्ष नेता थी, और वो भी उनके साथ क्या हुआ ये सबने देखा है। शीर्ष नेतृत्व की सोच देखी जाती थी। सुन दो, आडवाणी जी और वाजपेयी जी दोनों ने बिना घोषणा के ये कोशिश की कि भाजपा को एक मध्यमार्गी पार्टी में चेंज करो, सेंट्रिस्ट पार्टी में, क्योंकि हम लोग डेली जो है बैठते उठते थे, और इसकी एक इंटरनल स्ट्रगल खूब हुआ है, पार्टी से अनेक लोग बाहर गए हैं, कि पार्टी तो रहे बीजेपी कांग्रेस की तरह रहे या उसमें सैफरन का छौंक रहे, ये एक बड़ा प्रोसेस है। तो उस समय की सोच में और इस समय की सोच में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए पार्टी का क्षरण होता गया। और अगर नरेंद्र मोदी 2014 में नहीं आते तो मेरा अपना मानना था कि भारतीय जनता पार्टी 50 सीट से ऊपर नहीं जाती, तो इसलिए उस समय की सोच में। और आज उमा भारती को तो षड्यंत्र पूर्वक हटाया गया, वो केस हटाने लायक नहीं था, कहा गया कि आप चले जाइए, आप हर केस खत्म होते ही आ जाएंगे, केस खत्म हो गया। जो मुख्यमंत्री बनते हैं बाबूलाल को, उन्होंने कहा कि तो विश्वासघात है, मैंने कहा कि मेरा त्याग पत्र लो, उनको बैठाओ, कहा गया नहीं अभी आप रहोगे, तो एक दूसरी कथा थी, ये मामला दूसरी कहानी, इस पर कल किसी और दिन चर्चा शांतर हो जाएगा ना, उसमें तो हम सबको मालूम है उसमें क्या क्या हुआ था। ठीक, फिलहाल जो इस हफ्ते की पूरी चर्चा रही केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ को लेकर, वो इस कह लीजिए कि इस बिंदु पर आकर फिलहाल थमी है कि इस तरह की कोई बात कहीं भी बीजेपी यूपी में, बीजेपी पार्टी में और संगठन में फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन हाँ, योगी आदित्यनाथ का, जैसा कि हमारे तमाम मेहमान भी कहे कि योगी आदित्यनाथ का विकल्प कोई अभी तुरंत किसी के पास, पार्टी के पास है या तुरंत किसी को कह दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि जो हमारे तमाम मेहमानों ने कहा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है चिंतन मंथन की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस 15 पन्ने की रिपोर्ट पर एनालिसिस करने की, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव के परिणाम उत्तर प्रदेश में खासतौर से बीजेपी को परेशान करने वाले थे। फिलहाल इसी चर्चा को यही विराम देते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिए और खबरों के खिलाड़ी के वीडियोस को जिस तरीके से आप शेयर करते हैं, वायरल करते हैं, वो फिर से करते रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।